Ashwini Vishnu ji. Chairman sir, thank you very much for this opportunity to speak on this very important bill. Sir, I'll lay down the overall context. Why this vivad se, it's a bit of tongue twister. Ek hi sentence mein vivad bhi bolna, vishwas bolna. Mere se nahi bola jata, main isko V2V bolunga. Vivad to vishwas, V2V. So V2V scheme kyun aayi? Is scheme ka pura context main aapke samne prastut karna chahunga. Pichle 6 varshon mein सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कंसिस्टेंट और वेल थॉट थ्रू इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की स्कीम की प्रक्रिया की है सर. चार इसके 6 एलिमेंट्स हैं. पहला एलिमेंट है टैक्स बर्डन को रिड्यूस करना. ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप टैक्स बर्डन को रिड्यूस किया गया है. सेकेंड है टैक्स बेस को ब्रॉडन करना, वाइडन करना. जिस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन किए जा रहे हैं, उससे टैक्स बेस भी ब्रॉडन हो रहा है. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लिटिगेशन को रिड्यूस करना, कम करना. लिटिगेशन में सबकी एनर्जी नष्ट होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है. उसके लिए कई स्टेप्स लिए गए. मैं इसी स्टेप पे लिटिगेशन पॉइंट पे इससे अगले पैराग्राफ में इससे ज़्यादा और बोलूँगा मैं. फोर्थ है टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करना. कई सारे स्टेप्स लिए गए जिसमें टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा है और एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ा जा रहा है. फिफ्थ है प्रोसेसेस का ऑटोमेशन. बहुत सारे प्रोसेसेस में आज बहुत आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि आपका टैक्स बर्डन कितना है, कैलकुलेशन ईजी हो गया है. और छठा है बहुत इंपॉर्टेंट फेसलेस असेसमेंट्स एंड फेसलेस अपील्स. इन सारे के सारे स्टेप्स में कुछ मित्र कह रहे थे कि बैंडेड सॉल्यूशन. ये बैंडेड सॉल्यूशन नहीं है. इट्स अ वेरी वेल थॉट थ्रू एंड अ सिस्टमेटिक एंड अ कंसिस्टेंट एफर्ट एट रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन, सिंप्लीफाइंग द टैक्स लॉज एंड मेकिंग श्योर दैट द पीपल आर फोकस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी रादर देन जस्ट अगेन एंड अगेन गोइंग बैक टू द टैक्स अथॉरिटीज. सो V2V एक ऐसा वेलकम स्टेप है चेयरमैन सर, जो कि लिटिगेशन को रिड्यूस करेगा. और ये आज का स्टेप नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया के जो बैंडेड वर्सेस थॉट थ्रू वाली पॉइंट है, इट इज अ वेरी कंसिस्टेंट एंड वेल थॉट थ्रू प्रोसेस. सबसे पहला इसका एग्जांपल 2017 से 18 और 19 तक जो अपील करने की लिमिट थी, दैट लिमिट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. सो फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के सामने 2017 में अगर टैक्स डिपार्टमेंट अपील पे जाता था उसकी लिमिट मात्र 25 लाख थी. 18 में ये लिमिट किया गया 1 करोड़ और आज ये लिमिट है 2 करोड़. दिस 8x इंक्रीज इन द अमाउंट फॉर विच टैक्स डिपार्टमेंट विल गो इन टू अपील्स, इट शोज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट. द इंटेंट इज नॉट टू बाइंड पीपल इन टू अननेसेसरी लिटिगेशन, बट द इंटेंट इज टू मेक श्योर दैट द पीपल आर फोकस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइटिंग इन द कोर्ट्स. सेम केस फॉर हाई कोर्ट एंड ITAT. इन द केस ऑफ हाई कोर्ट द लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड 5 times. इन द केस ऑफ ट्रिब्यूनल द लिमिट हैज अगेन बीन इंक्रीज्ड 5 times. देयर इज अ गुड रिजल्ट ऑफ दिस. द टैक्स लिटिगेशन इज एक्चुअली रिड्यूस्ड बाय अबाउट 35% बिकॉज ऑफ दिस रेज्ड लिमिट्स. इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप एंड दिस काइंड ऑफ स्टेप शुड बी encouraged and supported by my friends on other side of the aisle. The second point, the experience of the direct tax Sabka Vishwas scheme. Sabka Vishwas scheme mein roughly 130,000 cases mein se 50,000 cases settle hue hain. 130,000 cases mein se 50,000 case settle hona bahut achhi baat hai. 375,000 crore ka jo disputed amount tha direct tax indirect taxes mein, उसमें करीब 25,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है. आई थिंक दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट विच शुड बी वेलकम्ड एंड विच शुड बी यूज्ड एज द टेम्पलेट फॉर द नेक्स्ट रिफॉर्म रादर देन जस्ट क्रिटिसाइजिंग इट कि केवल बड़े लोगों ने किया है, छोटे लोगों ने नहीं किया, या छोटे लोगों ने किया, बड़े लोगों ने किया. आई डोंट थिंक वी शुड बी जस्ट मेकिंग सब, स्पेशली कमिंग फ्रॉम समबड़ी माई आल्मा मेटर वॉटन ग्रैड, सो वी शुड नॉट बी क्रिटिसाइजिंग इन दैट ओपन दैट like painting everything with same brush. मैं अब V2V स्कीम पे आऊँगा. V2V स्कीम में रफली 483,000 केसेस जो पेंडिंग है उनको एड्रेस करने की कोशिश है. मैं मानता हूँ
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बड़ा डिफरेंस है. एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, इन सब में प्राइमरीली इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन, और बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन के तहत अगर सेटल करनी है तो उसमें सेटल करना आसान होता है. और डायरेक्ट टैक्सेस में देर वुड बी अंडरलाइंग इश्यूज जिस पे हो सकता है कि कंपनी या इंडिविजुअल स्टैंड लेना पसंद न करे या स्टैंड न ले पाए. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बोर्ड्स हैं कंपनीज के, वो चाहेंगे कि हम इसको लिटिगेट ही करेंगे, हम इसको सेटल नहीं कर सके. मैं मानता हूँ इसमें डिफिकल्टी है, बट जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेप लिया है ये स्वागत योग्य है. किसी भी तरीके से अगर लिटिगेशन कम होता है तो ये वाकई बहुत ही स्वागत योग्य और इसका हम सबको समर्थन करना चाहिए. आप सब जानते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में किसी भी मैटर को अल्टीमेटली फाइनल स्टेज पर लाने के लिए ऑन एन एवरेज 10 साल से 15 साल तक लगते हैं. बहुत लंबा समय. इतना क्या समय लगना चाहिए? क्यों ना चाहे जो भी प्रयत्न हो, दैट एवरी स्टेप दैट वी कैन टेक टू रिड्यूस दिस टाइम फॉर लिटिगेशन वी शुड टेक. एवरी सच स्टेप इज अ वेलकम स्टेप. इस V2V स्कीम में इसके चार पिलर्स हैं बेसिकली. सबसे पहला पिलर है टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. बहुत क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस दे रखी है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, किस कितने टाइम में टैक्स का डिक्लेरेशन होगा, कितने टाइम में ऑर्डर होगा, वो सब एकदम क्लियरली डिफाइंड है. सेकेंड, द कवरेज इज वेरी वाइड. द सेकेंड पिलर इज वेरी वाइड कवरेज. ऑलमोस्ट ऑल अपील्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट, बिफोर हाई कोर्ट, बिफोर द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, बिफोर द कमिश्नर इनकम टैक्स, ऑल द अपील्स आर कवर्ड. आई रियली थैंक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर गेटिंग सच अ वाइड स्कोप ऑफ कवरेज इन दिस स्कीम. थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, देर इज अ प्रिस्क्राइब्ड नेगेटिव लिस्ट, जैसे कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव लिस्ट में स्मगलिंग वाले रिलेटेड मैटर्स हैं, बेनामी वाले मैटर्स हैं, उन सब मैटर्स को सबको बाहर रखा गया है. इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप. इस तरह की क्लिनलीनेस जो मेरे फ्रेंड ने कहा कि क्या हम मॉरल हैजार्ड क्रिएट करें, आई डोंट थिंक वी आर क्रिएटिंग अ मॉरल हैजार्ड इन दिस. जो लोग इसमें नहीं आने चाहिए उनको NDPS, ड्रग्स वगैरह के मैटर्स, उन सबको बाहर रखा गया है. फोर्थ इज अ वेरी क्लियरली डिफाइंड फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच. डिस्क्रिशन नहीं रखना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड हो अच्छा है. रही बात CBDT सर्कुलर की, ये सर्कुलर बेसिकली सर्कुलर की स्पिरिट समझनी चाहिए. दिस इज मोर लाइक अ FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. इट्स नॉट अ सर्कुलर विच कैन बी डिफाइंड लाइक अ टिपिकल सर्कुलर ऑफ CBDT. एंड आई रियली थैंक the Honorable Finance Minister, the Revenue Secretary and the Chairman of CBDT, that very clearly worded and very nice easy language of the circular of 7th, circular number 7 of 2020, each and every question which has come up has been very nicely defined in this, very nicely clarified in this. So I think it's responsibility of every government organization to clarify the points which have come in people's minds rather than just sit there and wait for the rules to come. So, yeah, correct. Your point is valid, but you have to see what is the spirit of this circular. The circular says, what are the clarifications which have been asked by the stakeholders? It's not a prescription, very clear. It's not a prescription, it is FAQ. It is a frequently asked questions. So that's the difference between a normal circular and a FAQ circular. In conclusion, sir, I'll recommend a couple of small humble submissions. First, the time which is required for this settlement of the disputes definitely needs to be increased. I think most organizations and many individuals will take time to consider the pros and cons of their disputes. So June may probably not be a right time. It might require probably one full year for this entire scheme to be operational. Second is, each and every dispute has some underlying cause. So can we focus on each and every underlying cause which gets clarified in this scheme and then use that as the base for simplifying the laws? Third, the negative list has some elements which need to be pruned, because let's say any prosecution in IPC, this is a very general thing. Do we really need that kind of negative list, or can we reduce the negative list further? Fourth, the circular on 100% compliance, I think
Rajiv has said, I think we definitely need to reconsider whether that's the right approach, because ultimately we are trying to solve a dispute in a collaborative manner rather than just a adversarial manner. So I would like to conclude. Honorable Prime Minister Modi ji has led a very clearly laid out economic vision, sir. The country has to grow on sound fundamentals. There has to be a cleansing of public life. There has to be a cleansing of the economic activity. It cannot be the old way, kaccha hai, pakka hai, wo sab ab nahi chal sakta, sir. Is pure system mein, we have to understand citizens' expectations from the government has also significantly increased. Sir, 2003-04 mein, भारत सरकार का बजट होता था 4,40,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होता था. 13-14 में यही नंबर सर 16,70,000 करोड़ हो गया सर, चार गुना. 19-20 में 27,90,000 करोड़. ये पैसा कहाँ से आएगा? अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स विल हैव टू बियर दिस अमाउंट, बिकॉज सिटीजन्स का एक्सपेक्टेशन है. कोई भी स्कीम हो, मनरेगा हो, ये हो, सब में हमारा बढ़ाना है, बस सब में एलोकेशन बढ़ाना है. कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता है कि हम अपनी इनकम कैसे जनरेट करें. हमको सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, फाइनेंस मिनिस्टर पे प्रेशर डालना है कि हमारा एलोकेशन बढ़ाओ, एलोकेशन बढ़ाओ, एलोकेशन बढ़ाओ. अल्टीमेटली दैट बैलेंस हैज़ टू कम आउट, एंड वी सीनियर पीपल इन दिस हाउस विल हैव टू टेक अ रीजनेबल कॉल दैट यस, एनी स्टेप विच इंक्रीजेज द टैक्स बेस, इंक्रीजेज द टैक्स टू GDP रेशियो, simplifies the things, and simultaneously also we have to look at what are the wasteful expenditures. Can we reduce those wasteful expenditures? Can we bring that balance so that the economy moves forward in a very sound manner, in a consistent manner, rather than moving up and down, sir? A very simple statistics to support this tax to GDP ratio point. France mein tax to GDP is about 46%. Germany has about 38%. UK about 33%. US 24%, and India is about 11.5%. So what steps Honorable FM is taking to increase the, broaden the tax base, simplifying the structure, reducing the litigation, we should all welcome this. We should welcome this because we want the businesses and individuals to focus on the economic activity rather than wasting their time and wasting their energy in litigation. So that is what will actually increase employment. We have to, as I've said earlier in this house, every element of our economic policy has to be focused on what is generating employment, how to increase employment. So reducing the focus from litigation and putting the focus on economic activities, one of those steps, sir. I welcome this bill, and I request all the honorable members to pass this bill. Thank you, sir.